गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका ये जो पार्ट दो है, जिस पार्ट का नाम है ध्वनि वर्ण तथा वर्तनी। ध्वनि, ध्वनि का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को सुनते हो, किसी भी शब्द को सुनते हो, या पहले पार्ट में मैंने आपको भाषा और व्याकरण के बारे में समझाया था, तो भाषा जब आप किसी भी चीज को समझते हो तो जो वो उसका जो लिखित रूप होता है, यानी कि किसी भी शब्द को मैंने लिखा, जैसे कि आप उदाहरण में ही देख लीजिए, यहाँ व्याकरण लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्वनि लिखी है, यहाँ वर्ण, यहाँ वर्तनी। तो ये जो लिखित शब्द हैं, इनके लिए कुछ ऐसे, ये जो जितने भी शब्द बोले जाते हैं उनके लिए कुछ ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हीं चिन्हों को, यानी इन्हीं चिन्हों की वजह से ही ये इसका लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण। और इसका जो मौखिक रूप होता है वो कहलाता है ध्वनि। जो हम सुनते हैं, यानी जिस चीज को हम बोलते हैं, वो हमारा ध्वनि होता है। और उन्हीं ध्वनियों को जब हम सुनकर और समझकर लिखते हैं तो वो उसका लिखित चिन्ह जो होता है वो होता है हमारा वर्ण। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है वर्ण, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो हम जितने भी शब्द को बोलते हैं, समझते हैं, जो भी चीजें सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके कुछ नियम प्रारूप बनाए गए हैं, उनके कुछ ऐसे लिखित चिन्ह बनाए गए हैं, लिखित चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। कहते हैं ये जो जितने भी हमारे शब्द हैं, इसका निर्माण ऐसे ही हो गया है, जब हम ध्वनियों को पढ़ते हैं, समझते हैं, हमारे जो ध्वनियां होती हैं, हमारी जो वर्ण है हमारी, कहते हैं वर्ण, वर्ण जिसके कभी टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण वा ध्वनि है जिसको कभी भी अलग खंडों में विभाजित, यानी कि विभाजित का अर्थ होता है अलग, अलग नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको हम बोलते हैं वर्ण। तो वर्ण में आपने जाना ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण का जो मौखिक रूप होता है वो ध्वनि के आधार पर होता है, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो होता है हमारा वर्ण। तो हमारा ध्वनि जो है दो प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर एक हिंदी व्याकरण में एक ऐसा तत्व होता है सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बिना हमारा व्याकरण अधूरा है, यानी जिसके बिना हम यहाँ अभी जो बोल भी रहे हैं वो स्वर की ही सहायता से बोल रहे हैं। यानी कि सबसे पहला जो स्वर है, जिन ध्वनियों की ध्वनिया आपने, मैंने पहले ही बताया कि जिस चीज को हम सुनते हैं वो उसका उच्चारित रूप होता है, यानी कि ध्वनि जिसको बोलते हैं। तो ध्वनियों के, जिन ध्वनियों के व्याकरण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध, बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे क्या कहलाती है? स्वर। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर आ ई ऋ ए ऐ ओ औ, तो ये हमारे क्या है? स्वर। यहाँ आपने देखा, यहाँ जितने भी हैं स्वर, यहाँ हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। स्वर अपने आप में ही सबसे शक्तिशाली तत्व होता है, यानी व्यंजन का एक अहम भाग होता है, जिसके बिना हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा हमारा है व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण। आपने पहले स्वर पढ़ा, ध्वनि का पहला रूप क्या पढ़ा? स्वर। अब उसी का दूसरा रूप आता है व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पैदा होती है, यानी कि रुकावट उत्पन्न होती है। स्वर में रुकावट उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन व्यंजन में रुकावट होती है, जिसे हम बोलते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर रुकावट के साथ मुख से बाहर हमारी कोई भी ध्वनि निकलती है, तो यानी कि हम व्यंजन को किसकी सहायता से बोलते हैं? स्वर की सहायता से। हमने बोला जैसे का, खा, गा, तो ये जितने भी का प्लस आ, यानी कि हम जब कोई भी चीज मिलाकर बोलते हैं, किसी भी व्यंजन को बोलते हैं, तो वहां हम स्वर को मिलाकर बोलते हैं। वो भले वो साइलेंट होता है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली कोई चीज बोलते हैं तो वहां अपने आप स्वर का रूप निहित होता है, यानी स्वर उसमें समाहित होता है, जिसके आधार पर ही हम व्यंजन की कल्पना करते हैं, यानी व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं, बढ़ते हैं सबसे पहले व्यंजन की तरफ, जहाँ कुछ और चीजें हैं। तो व्यंजन में आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर आपने अभी स्वर को समझा, फिर उसके बाद व्यंजन के कुछ ऐसे रूप हैं जहां पर एक इसकी सारणी बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हमने एक वर्ग दिया, ठीक है, वर्ग में हमारा आया का वर्ग,
चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे पांच वर्ग हैं। ठीक है, अब हमारे यहां पर सबसे पहले ये जो वर्ग हैं ये किसमें आते हैं? मौखिक रूप। किसमें आते हैं? मौखिक रूप, यानी कि हम जितने भी इसका उच्चरित रूप है ये हमारे मौखिक में आते हैं। दूसरा हमारा है बीचों बीच में अपनी, ये अभी हम व्यंजन लेनी बारे में कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, व्यंजन लेनी बारे में हम उस चीज को बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारा आता है कि इसका पूरा प्रारूप आता है विसर्ग। विसर्ग में जिसको हम बोलते हैं ये विसर्ग का चिन्ह होता है, ये जिसके बिना हम यानी कि किसी भी चीज को लिखने के लिए, किसी भी वर्तनी को लिखने के लिए उस चिन्ह के आधार पर ही हम उसको उसको अलग अलग रूपों में समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हमारा यहाँ आ जाता है का वर्ग में, हमने इसका पूरा आधार ले लिया, का खा गा गा हा गा चा छा जा छा या। फिर टा वर्ग में हमने ले लिया टा ढा 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 आड़ा। फिर हमने अब आगे ऐसे ही बढ़ते हैं ता वर्ग में, तो ता में भी हम आगे बढ़ जाते हैं ता ता धा धा ना। फिर पा वर्ग पे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया पा फा वा भा मा। अब इसी तरीके से हमारे कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो आते हैं जैसे कि या ला ला वा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसके आगे जो हम बढ़ते हैं या रा ला वा, फिर उसके बाद शा खा शा हा। ठीक है, फिर हम अब हम बढ़ते हैं अनुस्वार की तरफ। यहां हमारा मौखिक था, यह हमारा व्यंजन का विसर्ग है, अब यहां हम आपको अनुस्वार की तरफ ले चलते हैं, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार में जो हमारे आते हैं जिसमें जिसका ये चिन्ह होता है अंगा, आहा और अंगा, ये यानी हमारे जिसको हम बोलते हैं अयोगवा। ठीक है, अयोगवा में आते हैं, इसमें हमने इस वर्ण का पांचवा, ये जितना है ना, ये जितना ये का वर्ग का पांचवा कहाँ जाएगा? अंगा, ये अनुस्वार में आया। चा वर्ग का पांचवा पंचम वर्ण क्या है? या, पांचवा वर्ण। टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? आड़ा। ठीक है, ये अनुस्वार में आया। ता वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? ना। और पा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? मा। तो इसी तरीके से ये हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? व्यंजन। अभी आपने स्वर को पढ़ा था, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो उसी प्रकार से हम व्यंजन में पढ़ते हैं जिसमें हमारा उसका मौखिक रूप जो ध्वनि होता है, जिसका उच्चरित रूप होता है, जो यहाँ पर का वर्ग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पूरी हमारी प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं, का खा गा गा अंगा, जिसका पंचम वर्ण होता है अंगा, चा वर्ग में इसी प्रकार से जितने भी पांच रूप दिए गए हैं जिसको हम पंचमा अक्षरी बोलते हैं, तो इन पांच रूपों का जो पंचम वर्ण होता है वो किसमें आता है? अनुस्वार में, यानी कि व्यंजन के कैटेगरी में पूरा दिया जाता है। इस प्रकार से अब हम बढ़ते हैं अनुस्वार, अनुस्वार के बारे में आपने समझा। अब हम मौखिक व्यंजन और नासिक व्यंजन के बारे में बताते हैं। मौखिक व्यंजन, ये सबसे पहले आपने जाना मौखिक व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण यानी कि वायु केवल मुख से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु केवल मुख से निकलती है, मुख से निकलकर बाहर उस चीज का को समझाने का प्रयास करती है, वो हमारे मौखिक व्यंजन कहलाते हैं। अब हमारे आ गए दूसरे में, हमने पढ़ा था आपका नासिक के अनुस्वार, यानी कि ये जो होता है नासिक, यानी नासिका से बोला जाता है नासिक के व्यंजन अनुस्वार, यानी व्यंजन का जो पंचम वर्ण होता है, हर वर्ण का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिक व्यंजन के आधार पर बोला जाता है, यानी इन व्यंजनों के उच्चारण में, इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इसी प्रकार अब हम आपके वर्ण में, आपने पहले देखा ध्वनि के बारे में जाना, वर्ण के बारे में, वर्तनी, वर्तनी किसके आधार पर टिकी होती है? व्याकरण। वर्तनी का मतलब ही है, यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं ये वर्तनी है, यानी कि वर्तनी हमारी शुद्ध है या अशुद्ध, वो उसको समझाने का प्रयास किसके आधार पर होता है? ध्वनि। वर्तनी हमारी शुद्ध कब होगी? जब हमारा ध्वनि शुद्ध होगा, यानी कि हमारे वर्ण, यानी वर्णों का ज्ञान हमें निश्चित रूप से पता होना चाहिए, तो तब जाकर हमारा, हमारे वर्णों का जो शुद्ध रूप होता है वो हमारे वर्तनी के आधार पर सही रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। तो अभी आपने यहाँ मौखिक में पूरे वर्गों को देखा, यहाँ पांच वर्ग थे, फिर व्यंजन में आपने देखा उन्हीं व्यंजनों का पंचम वर्ण आया अनुस्वार में, जो नासिक के द्वारा बोला जाता है, यानी नासिका से इसका उच्चारण किया जाता है। अब हम आते हैं आगत ध्वनि। आगत ध्वनियों का मतलब क्या होता है?
कहीं से आई, कहाँ से आई हैं, जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में समाहित की गई हैं, वो होती है आगस्व। आगस्व में बहुत सारे, जिसका सबसे पहले हम आपको चिन्ह बताते हैं आगत व्यंजन में। सबसे पहले हमारा आगत वर्ण होता है, जिसमें हम आगत वर्ण का चिन्ह ये माना गया, इसका जो चिन्ह होता है ये हमारा होता है आगत वर्ण। आगत वर्ण कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जिनके कुछ चिन्ह बताए दिए जाते हैं और चिन्ह के ही आधार पर उनको पहचानने का प्रयास किया जाता है। हम किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उस चिन्ह के उसके चिन्ह को प्रमाणित करते हैं, तब हम उस चिन्ह के आधार पर उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा हो गया आगत वर्ण। आगत वर्ण का चिन्ह है, जैसे कि आप कभी कभी हिंदी में लिखते हो, कुछ ऐसे भाषाएं हैं जो अंग्रेजी में रहते हैं लेकिन उसको हिंदी भाषा में ले लिया गया है। अंग्रेजी की कुछ भाषाओं का जो मिश्रण रूप है वो हिंदी भाषा में लिया गया, जैसे हो गया डॉक्टर, ये हमारे क्या है यहाँ पर अ, यानी कि डॉक्टर। हम कॉपी को कॉपी नहीं बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं, जिसमें हमारा ये चिन्ह आ गया आगत वर्ण का। तो इस चिन्ह के आधार पर अ, यानी कि ये इसका अ जो चिन्ह है ये मेन होता है। अगर हम इस चिन्ह को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर। ये वर्तनी क्या है हमारी, अशुद्ध है। लेकिन जब हम इस वर्तनी को शुद्ध करते हैं और उसको समझते हैं तो यहाँ पर हम अ यानी आगत वर्ण का प्रयोग करते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, डॉक्टर। इसी प्रकार से हम कॉपी में भी अगर इस चिन्ह को हटा दिए तो हमारे बोलने का भी रूप अलग हो जाएगा, लेकिन जब हम इस चिन्ह को लगाते हैं आगत वर्ण को तो हमारा क्या है, ये वर्तनी शुद्ध रूप में दिखने लगता है, जिसका बोलने का यानी मौखिक रूप भी बदल जाता है, यानी चिन्ह के आधार पर हमारे बोलने का भी प्रारूप बदल जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं कॉपी। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, आगत वर्ण। अब हमारे आते हैं कुछ ऐसे नुक्तायुक्त वर्ण, जैसे कि आप किसी भी उर्दू शब्द को आप जानते हैं जिसकी लिपि फारसी में लिखी गई है, उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। तो उसी प्रकार से जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी में हम अंग्रेजी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी में जा, ये जो जा में बिंदु लगाते हैं, जैसे हो गया जमीन, तो ये हमारे क्या है, उर्दू शब्द। ये जहां पर हम इस बिंदु को क्या बोलते हैं, नुक्ता युक्त वर्ण, जो हमारे उर्दू भाषा का रूप प्रमाणित करते हैं, उर्दू भाषा के रूप को बताने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे होते हैं कुछ ऐसे शब्द जिसको हम बोलते हैं नुक्ता युक्त वर्ण। ये अब हम बढ़ते हैं नव विकसित ध्वनियां। नव विकसित ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो संस्कृत में नहीं थी पर इनका विकास हिंदी में हुआ है। ठीक है, नव विकसित ध्वनियों में बहुत सारी ध्वनियां आती हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम लिखकर आपको समझाते हैं नव विकसित ध्वनियां क्या क्या होती है। नव विकसित ध्वनियां भी नाक और मुख से वायु बाहर निकलती है, जैसे कि नासिक की ध्वनियों के द्वारा इनके उच्चारण में भी हवा मुख और नाक से बाहर निकलती है। जैसे इसके लिए बिंदु यानी कि अनुस्वार और अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। बिंदु से जैसे हमने यहां बनाया, बिंदु से हमने एक इसका उदाहरण ले लिया, जैसे हो गया अंत। अगर हमने यहाँ चिन्ह लगाया इसका अंक का तो हो गया अंत, लेकिन अगर हम इस चिन्ह को हटा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अत, यानी हमारे बोलने का रूप भी बदल जाएगा। अब यहाँ हम लेते हैं जैसे ये जो अनुनासिक चंद्र बिंदु है चांदो, तो यहाँ हमने अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाया, तो ये क्या हो गया, चांद। ठीक है, तो इन चिन्ह के आधार पर ही हम इस वर्तनी को शुद्ध करते हैं, बिना चिन्ह के हमारी हर वर्तनी क्या होती है, अशुद्ध होती है। तो ये होती है हमारी नव विकसित ध्वनियां। अब इसी प्रकार से बहुत सारी हैं, जैसे अंगूठी, यहाँ अंगूठी था लेकिन अंगूठी क्या है, हमारा अशुद्ध वर्तनी है, लेकिन जब यहाँ हम अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वर्तनी शुद्ध हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे अंगूठी। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो यहाँ पर चंद्र बिंदु और अनुस्वार का प्रयोग ये नव विकसित में किया जाता है। अब हमारे आगे परंपरागत ध्वनियां। परंपरागत ध्वनियां कहते हैं जो का से लेकर के पूरे, ये जितने हमने अभी आपको व्यंजन बताए थे, का वर्ग, पूरा का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, ये हमारी क्या होती है, पूरी का वर्ग से लेकर ये जो लास्ट होता है का से लेकर मा तक, यानी कि पंचम वर्ग, यानी पांच वर्ग होते हैं, उन पांच वर्गों के 25 जितने भी हमारे यहाँ पर व्यंजन दिए गए हैं वो क्या होते हैं, हमारी
परंपरागत ध्वनियां होती हैं। ठीक है, तो ये ध्वनियों का हम भाषा में प्रयोग हमेशा करते रहते हैं। अब हमारे आ जाए अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा, आप अयोगवा किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि ये अंग और आहा, ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवा, ये हमारे अयोगवा चिन्ह होते हैं। ठीक है, और इनका प्रयोग किया लिखा तो जाता है, लेकिन इसका किसी भी जगह पर मूल रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसका नाम इसीलिए लिखा गया है अयोगवा, अंग और आहा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ध्वनि, वर्ण तथा वर्तनी। ये हमारे तीनों इस चीजों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ध्वनि क्या होती है, व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होते हैं, जिनके आधार पर ही हमारे भाषा के रूप टिके हुए। थैंक्स।